उर्मिला बाहर में लेके आई मैगी है, तो हाँ आज मैगी खा के हम लोग काम करेंगे। उर्मिला खाना तो कब बनाएगी मालूम नहीं, लेकिन देखिए दोस्तों ये चाइना वाली सिस्टम। ऐसे करके मैं बांट देती हूँ। निकुंज आ गया चम्मच लेके। हाँ हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यू आर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे ओर से आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे दोस्तों। तो सुबह सुबह देखिए फूलों का कितना बड़ा पौधा हो गया है, देखिए ये, और इसमें बीज भी आ गई। देखिए ये काली काली बीज दिख रही हाथ पे, ये कितनी प्यारी। और ये बीज बहुत सारी उगेगी वापस से। तो देखिए दोस्तों सुबह सुबह का नज़ारा। हम लोगों का लिपाई पोताई कल का हो गया था, वो पूरा अच्छे से सूख गया है ये देखिए। और फिर वापस से आज को हम लोग उधर में लिपाई पोताई करेंगे, वहाँ शैलेश भाई के घर के वो साइड में, क्योंकि रोटियाँ वहाँ पे ही बनाएंगे ना। तो हम लोगों का आंगन तो ये कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा गीला दिख रहा है, लेकिन ये आज शाम तक सूख जाएगा, क्योंकि और दो तीन बाकी है, दो तीन दिन मतलब में। तो ये यहाँ पे जो लकड़ा दिख रहा है ये भी निकालना है, यहाँ पे साफ करना है हम लोगों को। और सुबह सुबह फूल देखिए, तुलसी मैया भी कितनी प्यारी लग रही है। छोटी सी लगाई हूँ लेकिन मेरा मेरा बगीचा कितना अच्छा लग रहा है ना, फूलों से भरा बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो बगीचा मेरा। और यहाँ पे देखिए पूरा आंगन कितना अच्छा लग रहा है। तो हेलो दोस्तों, देखिए इधर में थोड़ा बाकी रह गया था, तो उर्मिला अभी कचरा साफ कर रही है और झाड़ू लगा रही है। इधर में थोड़ा कल रह गया था बाकी, और देखिए आज धूप बहुत बढ़िया लग रहा है इसकी वजह से दोस्तों। हमारे मम्मी ने देखिए मिर्ची सुखाने के लिए डाल दिया है, और इधर में उर्मिला झाड़ू लगा रही है दोस्तों। हमारी मम्मी इधर में लिपाई पोताई कर रही है और शैलेश भाई मदद कर रहा है इधर में। इसके लिए खुले में रोटी बनाएंगी, तो इधर में लिपाई पोताई अभी कर रहे हैं। मामू है, बुआ है, शैलेश है, और हमारे मम्मी भी है। और इधर में देखिए निकुंज और किन्नरी इधर में बातचीत कर रहे हैं। वो देखिए निकुंज है दोस्तों, तो देख सकते हो आप लोग पानी बहुत कम आ रहा है। मोटर तो चालू करके आए हैं, लेकिन क्या मालूम बहुत कम निकल रहा है। तो देख सकते हो आप लोग थोड़ा ही बाकी है मतलब में, फिर उधर में बाकी है, लेकिन इधर का काम पहले निपटा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इधर तक करना है लिपाई पोताई, तो इधर रोटी बनाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, धुआं भी नहीं लगेगा और बहुत मस्त रहेगा मतलब में। इधर धुआं निकल जाएगा, क्योंकि खुले में रोटी बना बहुत मज़ा आता है दोस्तों। इसके लिए खुले में रोटी बनाएंगे, तो इधर में अभी चल रहा है लिपाई पोताई दोस्तों। तो देखिए सब लोग अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी दो दो ही दिन बाकी है देव पूजा के लिए। इसके लिए अभी तैयारी तो करना ही पड़ेगा। इधर में साफ सफाई मस्त हो गई है, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बढ़िया इधर तक साफ हो गई है, साफ सफाई हो गई है इधर तक, ये देखिए बहुत बढ़िया है। आज का लोकेशन बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अभी पानी पीने के लिए कैसे कर रहे हैं, तो अभी लेके जाने कुछ पानी पिला देना। हाँ जाओ जाओ, चलो चलो। तो चलो हम लोग अभी घर पे ही चलते हैं। अभी उर्मिला क्या करते हैं उर्मिला को मैं दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, देखिए ये इतना सारा चिटिया घूम रही है, और चाय बनाने के लिए चीनी नहीं थी, वो तो अच्छा था कि मैं कार्ड पे लेके आई थी, तो वो डाल रही हूँ। और ये डब्बा में देखिए भर के रखी थी, तो पूरा चिटिया की वजह से शक्कर ना खराब हो जाए, है ना। हाँ। तो चिटिया है मतलब में, और राकेश जी भूल गया था तो चिड़िया बोल रहा था। क्योंकि इसको तो पंख ही नहीं है उड़ने के लिए, ये तो ऐसे ही शक्कर खराब कर देगी, तो ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे कर दो। और ये काटने वाली वो ही चीटिया है। वो तो निकल जाएगी, अभी धूप बहुत तेजी से लग रहा है तो निकल जाएगी। मैं रख देती हूँ, ऐसे ही छोड़ हाँ, देती हूँ हाँ, है कि नहीं हाँ, तो चलो अभी मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, इंतजाम कर देती हूँ, नहीं तो भूख के मारे से पेट में कौवे उड़ने लगेंगे, काव काव करने लगेंगे। तो दोस्तों मैं कुछ बना देती हूँ, तो देखिए टन टन। तो अभी मैगी खाएगा ऐसा बोल रहा है राकेश, तो पहले मैं मैगी बना देती हूँ, क्योंकि वो लोग नाश्ता कर लेंगे तो
काम भी कुछ अच्छे से कर लेंगे बाहर का। और मम्मी जी और वो तो लिपने के लिए गए है ना, लिपाई पोताई करने के लिए। तो राकेश जी अकेला है, मतलब मैं, वो लोग उधर में है उसके बुआ के वहाँ। तो निकुंज और राकेश जो खाएगा उसके लिए बना के दे देती हूँ, और बाद में नेक्स्ट में कुछ खिचड़ी बिचड़ी पका देती हूँ। तो पहले तो मैगी का ही शुरुआत कर देती हूँ। तो चलो किचन में चलती हूँ। पानी मैंने ले लिया है। पानी में बनाएगी तो क्या ऐसे ही बनाएंगे, पानी से ही तो बनेगा। और पानी में ज्यादा ही ले रही हूँ क्योंकि इसका जो सूप बनता है ना वो बहुत टेस्टी लगता है। इतना मजा आता है सूप पीने में, तो बहुत बढ़िया मजा आ जाता है। और क्या टेस्ट आ जाता है मैगी का। हाँ, और सिंपल ही बनाने का। वो टमाटर मटर ये सब हम लोगों के भाई कहाँ नसीब में तो हम लोग तो देसी है, तो देसी तरीका से ऊपर से ये डालो वो डालो हो गया है कि नहीं। हाँ, तो चलो अभी पानी गर्म करने के लिए मैं रख दी हूँ पहले तो। हाँ, और पानी थोड़ा हल्का हल्का गर्म हो जाएगा तो मैगी बनाने का मैं प्रोसेस चालू कर देती हूँ। इससे मैगी निकाल के इसमें रख रही हूँ थाली में, फाड़ देती हूँ पहले। तो बहुत अच्छे से फट भी रही है, ये देखो निकालने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। ये कहाँ फंस गई रे बाबा, ये देखिए दोनों की दोनों मैगी मैं निकाल दी हूँ। और ये वाला मसाला है, मसाला अच्छा है कि मैगी वाले साथ में देते हैं। हाँ। नहीं तो हम लोग तो घर पे नहीं लाते हैं ना। हाँ। बाहर का मसाला नहीं लाते है, मतलब है ना। हाँ। जो चटनी में कूट के डालते हैं वही मसाला, बाकी का मसाला नहीं यूज करते हैं क्योंकि अभी कोरोना भी चल ही रहा है क्या मालूम। तो पानी उबलने लग गया है और पहले तो मैं मैगी इसमें ऐड कर देती हूँ। देखिए ऐसे करके दो मैगी लाए थे तो चार हो गए ना बहुत बढ़िया, दो मैगी की चार मैगी हो गई और पूरा इसमें आ ही गया, बहुत मजा आ गया इसमें डरने में भी और बगुने भी उतनी है तो बहुत बढ़िया है। और ये देखिए इसको मैं थोड़ा ऐसे करूँगी तो तुरंत ये थोड़ा दब जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर, ऐसे ही उबलने दो है ना। तो दोस्तों देखिए इधर में एकदम से पकने लगा है, तो थोड़ा मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ क्योंकि घर का नुस्खा बना रही हूँ ना देसी नुस्खा हम लोग बनाते हैं। हल्दी डाली है तो थोड़ा मैं नमक भी डाल ही देती हूँ, कहे कि नमक डालने से थोड़ा अच्छा रहता है। और राकेश को तीखा खाना है ना। हाँ। तो ये सूप के लिए मैं चटनी डाल देती हूँ, घर की चटनी हम लोग घर का नुस्खा बना रहे हैं। तो ये तीन चीज मैं ऐड कर दी हूँ और थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। देखिए तुरंत ही कलर चेंज हो गया, क्या मस्त लग रहा है ना, वाव। और अभी इसकी खुशबू बाकी है, खुशबू आना बाकी है क्योंकि मैगी मसाला बाकी है ना। हाँ। देखिए कितना अच्छा कलर चेंज हो गया है। और हल्दी पाउडर तो मैं कलर के लिए डाली हूँ और कलर से अच्छा है हम लोगों के शरीर के लिए, मतलब मैं हल्दी पाउडर अच्छा रहता है सर्दी खांसी के लिए। तो दोस्तों देखिए मैगी मसाला भी मैं ऐड ही कर देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मैगी मसाला है, ये कोई कोई रेड रहता है ना, मेरे को नहीं मालूम। हाँ अलग अलग कलर का रहता है लेकिन ये अलग है और ये अच्छा जैसा लग रहा है पाउडर भी पता नहीं। और अभी इसका खुशबू आने लगा है मैगी मसाला उससे। मैगी मसाला भी इसमें आ गया है तो मिक्स कर देती हूँ। देखिए अभी मैगी मसाला मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ वैसे करके। तो मैं थोड़ा इसमें तेल भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि ऐसे चूसना है ना तो सर पेट में चला जाए इसकी वजह से थोड़ा मैं चाइना वाला खाते है वैसे ही वो लोग है ना खाली चूसते ही खाते हैं, मतलब मैं ज्यादा चबाते नहीं है। और देखिए मैं थोड़ा तेल भी ऐड कर दूंगी। वैसे लकड़ी हम लोग ये वो आते हैं ना वही लकड़ी बम्बू की लेके आएंगे लकड़ी, तो
तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा पक भी गया है और दो मिनट में, और ये सूप देखिए कितना गाढ़ा हो गया। दो मिनट में नाश्ता कंप्लीट। हाँ, और ये दो मिनट में, और ये देखिए मैं इतना ज्यादा पानी रखी थी लेकिन इतना गाढ़ा सूप भी हो गया इसका, है ना राकेश? हाँ। राकेश को मजा आ जाएगी खाने में भी, और तीखा तीखा खाने में मजा आ जाएगा। लेकिन देखिए आज कुछ बनाया नहीं उर्मिला ने, आज मैगी ही खा के काम, मैगी खा के काम करवा रही है। अभी चूल्हा जलाना बाकी है। हाँ, आज कुछ नहीं, मैगी मेरी फाइनली बन चुकी है दोस्तों कम्प्लीटली, और अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। दोस्तों देखिए उर्मिला बाहर में लेके आई मैगी है। हाँ। तो आज मैगी खा के हम लोग काम करेंगे। उर्मिला खाना तो कब बनाएगी मालूम नहीं, लेकिन देखिए दोस्तों ये चाइना वाली सिस्टम ऐसे करके मैं बांट देती हूँ। निकुंज भी आ गया चम्मच लेके, और हमारे पापा भी आ गया है घास लेके दोस्तों। तो देखिए हमारे पापा नहीं खाएगा, मम्मी भी नहीं खाएगी। हाँ, मम्मी खाएगी, मम्मी खाएगी और बाद में खाएगी, वो तो लिपाई पोताई कर रही है, आएगी तो खाएगी। कितना बढ़िया बनाया है उर्मिला ने मसालेदार मैगी, बहुत बढ़िया। कैसे खाते हैं इसको? मैं नहीं खाया है, आज खाएगा। पहली बार हम लोग लाए हैं, मतलब यशवी आती थी तो वो बनाती थी, मैं पहली बार मतलब लाई हूँ तो बना रही हूँ। तो मेरे लिए चम्मच वो नहीं चाहिए, मेरे को स्टील का चाहिए सूप पीने के लिए चम्मच, और बहुत ज्यादा गर्म। मेरे को तो सूप ही बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा बहुत गर्म है, बहुत यानी बहुत टेस्ट लगा। ऐसे ही सिंपल बना के खाने का बहुत बढ़िया लगता है। निकुल कैसा लगा? अच्छा बढ़िया है ना, ये देखिए फूक 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 मार मार मस्त मजा आ गई, आनंद जैसा लग रहा है, आनंद भैया मन का आनंद है ना। ये ऐसे खाना है, ये तो चम्मच में नहीं आता है, चम्मच में नहीं आता है, गिर जाता है। ये देखिए चम्मच में आता ही नहीं, गिर जाता है। ऐसे लकड़ी लेके आओ, ऐसे पकड़ के ऐसे ही करो, क्या है ना वो चाइना वाले ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कटिंग कर लेते हैं, चाइना सिस्टम पूरा का पूरा ऐसे मुंह में ऐसे लेके, अच्छा नहीं लगता है, उसको चबाना बबाना नहीं है। मजा आ गया, लेकिन मेरे को तो सूप ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। इसमें जो तीखा वाला चटनी डाला ना, और टेस्ट आ गया, और टेस्ट आ गया। गर्मी की वजह से मुझे तो पसीना पसीना होने लगा है। बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे खाना है ऐसे। हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, तो आप लोग बने रहिए आगे, कब लोग मजा आ रहा है। मैगी खाने में यशवी खा रही थी, तब मैं नहीं ज्यादातर खा रही थी, आज पहली बार खा रही हूँ, मतलब मैं निकुन को आता है, लेकिन बढ़िया मजा है, इसकी वजह से तो बच्चे लोग खा रहे होंगे ना। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोगों ने मैगी का नाश्ता कर लिया है, और आज खाना नहीं बनेगा राकेश जी बोल रहा था। तो ये देखिए हमारी प्याज की खेती, इसको पानी पटा रहे हैं, और ये दो में तो हम लोगों ने पानी पटा दिया है, अभी तीसरे में डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा ही हम लोगों ने केरा कर दिया है ना। हाँ। इसके लिए जैसा प्याज लाते थे वैसा ही थोड़ा थोड़ा जगह में ये करके अभी पानी पटा दिया है इसमें और इसमें, और वो वाले में चालू है उधर में। देखिए हम लोगों का प्याज का खेती ऐसा है, और क्या है इतना महंगा होली के सीजन में महंगा हो जाता है प्याज, इसकी वजह से हम लोगों ने ला के रोप दिया है घर पे ही। तो ये जब बड़े हो जाएंगे तो हम लोग दिखाएंगे जरूर, है ना, खोदेंगे। तो हम लोग आ गए पानी पटा के दोस्तों, और बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था, और उर्मिला ने खाना भी नहीं बनाया, मैगी खा के काम कर रहे हैं। कब से बोल रहा हूँ खाना बनाओ खाना बनाओ, दो बजने आ गया है दोस्तों, लेकिन खाना का कुछ ठिकाना नहीं है। तो एक दिन नहीं खाओगे तो क्या होगा, ऐसा थोड़ा चलेगा, मैगी तो खा ली ना। मैगी कितने देर तक रहेगी? मैगी तो बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए बहुत देर तक रहती है। झूठी कहेगी। और अभी है ना, अभी शाम तो होने ही वाली है, तो अभी शाम के लिए बाद में बना के खिलाऊंगी। बनाने में क्या दिक्कत होता है? लेकिन टाइम ही नहीं है तो क्या करूं? अभी टाइम है ना, अभी नहीं टाइम है मुझे, अभी तो बहुत काम है, अभी जाना है मुझे,
कहाँ? बाल बनाने के लिए बाल बनाने के जाएगी जाएंगी। क्या करें दोस्तों, आज उर्मिला क्या हो गया कुछ मालूम नहीं, खाना ही नहीं बना रही है। बहुत आलसपन हो गई है मेरे में, इतने आलसा ही नहीं करने की, कौन समझाएगा। देखो बीबी हो तो ऐसी चौधराइन जैसी बीबी हो तो ऐसी मेरे जैसी चौधराइन जैसी। तो दोस्तों आज मैगी खा के ही रहना पड़ेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जय हिंद जय आदिवासी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।